पीएम की सुरक्षा चूक पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने जांच के लिए कमेटी बनाने का दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनेगी जांच कमेटी। बंगाल में बीजेपी से अलग हो रहे हैं नेता। हिरणमय चट्टोपाध्याय के बाद बीजेपी विधायक शंकुदेव पांडा ने भी छोड़ा बीजेपी का व्हाट्सएप ग्रुप। चुनाव से पहले गोवा में बीजेपी को एक और झटका। बीजेपी मंत्री माइकल लोबो ने दिया इस्तीफा। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा अगले 2 से 3 दिन में आ जाएगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। समाजवादी पार्टी के साथ सभी सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जल्द ही की जाएगी सीट बंटवारे की घोषणा। चुनावों की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू। यूपी पंजाब समेत 5 राज्यों में वैक्सीन सर्टिफिकेट पर नहीं होगी पीएम मोदी की तस्वीर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन ऐप पर लगाए फिल्टर। भारत में कोरोना ने मचाया कोहराम। बीते 24 घंटे में सामने आए 1,79,000 नए मामले। 146 मरीजों की कोरोना से गई जान। देश भर में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाने की हुई शुरुआत। हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्ग लोगों को पहले दी जा रही है प्राथमिकता। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों के साथ नक्सलियों की हुई मुठभेड़। देर तक चली मुठभेड़ के बाद नक्सली हुए फरार। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। कुलगांव में 2 आतंकी ढेर। भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी। कई जगह अलर्ट जारी। कई कई घंटे बर्फ में फंसे रहे सैलानी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में हीटर से आग लगने से 19 लोगों की गई जान। बहुमंजिला इमारत की खिड़कियां तोड़कर बचाई जान। ब्रिटेन में कोरोना वायरस संक्रमण से अब तक 1.5 लाख से अधिक लोगों की गई जान। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका ने चीन से लगाई मदद की गुहार। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा कर्ज माफ कर दें और जरूरी चीजों के आयात के लिए और राहत दी जाए। तुर्कमेनिस्तान के एक रेगिस्तान में 50 साल से आग उगल रहा धरती का नर्क का दरवाजा। अब बंद करने का दिया गया आदेश। ओमिक्रोन के बाद अब आ रहा है डेल्टा क्रोन। साइप्रस में मिला कोरोना के नए वेरिएंट का पहला मामला। साल 2022 में निवेशकों के पास मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो में निवेश का मौका। आ सकता है रिलायंस जियो का आईपीओ। आज से सस्ता सोना खरीदने का मौका। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का नोवा चरण आज से शुरू। नोवी सीरीज में कम किया गया प्राइस। आईपीएल की कोलकाता नाइट राइडर्स टीम की एक फोटो पर हुआ बवाल। ट्विटर पर गंभीर धोनी के फैंस में छिड़ी जंग। बिग बॉस 15 के फैंस के लिए खुशखबरी। बिग बॉस 15 के होस्ट सलमान खान ने शो को आगे बढ़ाने का किया ऐलान। सुष्मिता सेन ने ब्रेकअप के बाद बेटियों के संग किया जमकर डांस। डांस देखकर खुश हुए सुष्मिता सेन के फैंस।